बेटा जो ओवरीज हैं वो फीमेल सेक्स फीमेल में पाई जाती है, फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। तो हमको सबसे पहले ओवरीज के स्ट्रक्चर देखना है, फंक्शन देखना है, क्या काम करती हैं, कहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है, सब सीखना है। आइए देखते हैं। तो अगर आप ओवरी देखें तो वन पेयर ओवरी इज प्रेजेंट इन इनसाइड एब्डोमेन ऑफ फीमेल, इनसाइड एब्डोमेन ऑफ फीमेल्स, ह्यूमन जो फीमेल्स हैं उनके एब्डोमेन में ये पाई जाती हैं। एक जोड़ी ओवरीज ह्यूमन के फीमेल्स में पाई जाती हैं। ये देखिए, मतलब ये जो लोकेशन है इस जगह पर ओवरीज पाई जाती हैं, एक जोड़ी ह्यूमन फीमेल्स में पाई जाती हैं। अब इनमें लेकिन एक ही एक्टिव रहती है हमेशा, मतलब अल्टरनेट मंथ में एक एक एक्टिव रहती है। तो अगर आप ओवरीज को देखें तो ओवरीज के बारे में दूसरी बात आपको ये सीखना है कि ओवरीज जो है ये भी टेस्टिस की तरह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मैंने कहा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें कहते हैं जिनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन ओवरीज में एक प्रक्रिया होती है, ऊजेनेसिस होती है। ऊजेनेसिस एक प्रक्रिया है। इस ऊजेनेसिस मतलब अगर आप सीधे लिखें तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ ओबम, ऊजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ओबम का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओबम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओजेनेसिस होती है, ओबम का फॉर्मेशन होता है। दूसरा देखें, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे इंडोक्राइन नेचर में है, मतलब आप कह सकते हैं कि ओवरीज इंडोक्राइन ग्लैंड है। आपको ये भी बात सीखनी है, ये भी बात सीखनी है कि इससे ढेर सारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, ढेर सारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो एक हार्मोन है, एग्जाम्पल आप देखें, एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये फीमेल्स निकलता है, चाहे एस्ट्रोजन कहें और चाहे ये स्पेलिंग रहे, सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है, दरकी दोनों चीजें एक ही चीजें हैं। एस्ट्रोजन के साथ साथ यहाँ पर अल्फा एस्ट्राडियोल भी निकलता है, अल्फा एस्ट्राडियोल भी निकलता है, एस्ट्राडियोल निकलता है, और एक हार्मोन और निकलता है एस्ट्रोन नाम होता है। ये सारे हार्मोन्स हैं, इसके सिवा एक हार्मोन और निकलता है, इस हार्मोन का प्रोनाम प्रोजेस्ट्रॉन है। आपको मैं बताऊं, फीमेल की तरह मेल की तरह ये सारे जितने भी हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, अल्फा एस्ट्राडियोल, एस्ट्रियन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब के सब जो हार्मोन्स हैं ये हार्मोन्स स्ट्रॉइडल हैं, मतलब स्ट्रॉइड हैं, मतलब इनका बायोकेमिकल जो नेचर है वो स्ट्रॉइडल्स बने हुए हैं। स्ट्रॉइडल मतलब कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है। ये जो अल्फा एस्ट्राडियोल है इसका जिक्र एनसीईआरटी में है, अगर आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में स्ट्रॉइडल हार्मोन्स में इसका नाम लिखा हुआ है, अल्फा एस्ट्राडियोल का। तो ओवरीज का अगर हम लोग शेप देखें तो ये आलमंड शेप्ड है, आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, आलमंड शेप्ड है। अगर इनका एक बेसिक सा फिगर देखें कि बॉडी में है कहाँ पे, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएं तो हम सिंपल सा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के दिखाते हैं, सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा फिगर बना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक ओवरी यहाँ पे है और एक ओवरी यहाँ पे है, ये वो दो लोकेशन है ओवरीज की। तो आप सबसे पहले लिख दीजिए कि सर ये ओवरी है, सिंपल सा है, बहुत डिटेल है, क्लास 12 से पढ़ना है आपको। ये है जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, या कभी कभी हम लोग इसे ओविडक्ट भी कहते हैं। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि ये ओविडक्ट भी है। एक चीज जो यहाँ छूटी जा रही है कि ये जो ओवरीज हैं ये भी मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, कैसे है ये हम लोग जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ये देखिए, ये है फैलोपियन ट्यूब, या इसी को ओविडक्ट कहते हैं। ये वाला एरिया है जो बीच का एरिया है, इसे हम लोग यूट्रस कहते हैं। यहाँ पे ये यूट्राइन वाल है, ये यूट्राइन वाल्स है, ये रीजन है जिसे हम लोग फंडस कहते हैं, इस पूरी एरिया को यूट्रस कहते हैं। ये एरिया है जिस एरिया को हम लोग सर्विक्स कहते हैं, ये देखिए सर्विक्स है, और ये एरिया है जिसे हम लोग एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया या वेजाइना कहते हैं। ये फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने जो बात बोली है ध्यान रखिए आप, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आपको
इस ओवरी में हार्मोन कहाँ से निकलते हैं ये सीखना है। अगर आप सीख जाएंगे तो शायद अच्छा हो जाएगा। आइए देखा जाए तो अगर आप इस ओवरी का एक सेक्शन काटें, ये जो ओवरीज हैं, अगर आप इनका सेक्शन काटें और आपको हार्मोन्स देखने हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स में ये हार्मोन्स निकलते कहाँ से है, यही देखना है आपको। कौन कौन से हार्मोन पढ़ लीजिए, एस्ट्रोजन है, अल्फा स्ट्राडियोल है, स्ट्रॉन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे हार्मोन्स इस ओवरी के स्ट्रक्चर से कहाँ निकलते हैं। तो अगर आप कभी ओवरी का स्ट्रक्चर जब आप ऐसे बनाते हैं, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, अगर इस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसका जो आउटर एरिया है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। ये देखिए जो आउटर एरिया है इसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इसका सेंट्रल वाला एरिया है, जो सेंट्रल है, इसे हम लोग स्टोमा कहते हैं। एनसीईआरटी देखेंगे तो ये भी लिखा हुआ है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ये किनारे किनारे का एरिया है ये इसका कॉर्टेक्स का एरिया है, और जो बीच का एरिया है उसे हम लोग स्टोमा कहते हैं। ये देखिए ये है प्राइमरी ओसाइट जिसका हो रहा है मियासिस फर्स्ट, प्राइमरी ओसाइट। मैं आपको बता दूं कि ये ओजेनेसिस जो होती है ये फीटल लाइफ से शुरू होती है जब वो फीमेल बेबी मात्र 25 हफ्ते की होती है, 25 वीक्स की होती है, 25 वीक्स की होती है, तब से जो है ओजेनेसिस शुरू हो जाती है, तब आप थोड़ा सा फिगर देखें, ये प्राइमरी ओसाइट है जिसका मियासिस फर्स्ट चल रहा है, लिप्टोटीन स्टेज में ये अरेस्ट है। अब होता ये है कि जब डेवलपमेंट शुरू होता है, आपने पढ़ा होगा फीमेल्स में खास तरह का साइकिल चलता है जिस साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली फीमेल्स में, जनरल फीमेल्स में 28 या 29 डेज का होता है, सारी फीमेल्स में। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 या 29 डेज का होता है, जिनको दो तरह के हार्मोन्स FSH और LH कंट्रोल करते हैं। तो आप देखिए इस साइकिल में 1 से 14 दिन पे क्या हो रहा है, इस साइकिल का 1 से जो 14 दिन तक का फेज है उस फेज को हम लोग जनरली हम लोग फॉलिकुलर फेज कहते हैं। बस मैं अभी आपको इतना बेसिक सी बात बता रहा हूँ, डिटेल बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी ये डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी क्लियर करनी है। क्लास 12th में आप डिटेल में पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिएगा, हम आपको क्लास 12th में पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। अब होता यह है कि इस प्राइमरी ओसाइट का डेवलपमेंट शुरू होता है, जब ये प्राइमरी ओसाइट का डेवलपमेंट शुरू होता है तो ये देखिए इस प्राइमरी ओसाइट को ये देखिए ढेर सारी फॉलिकल्स ऐसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, इसको न्यूट्रिशन देती हैं। इसको जब ढेर सारी सेल्स घेर लेती हैं तो इसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल सेल्स कहते हैं। ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल सेल्स कहते हैं। आगे जब डिवीजन चलता है इसका, फिर देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल सेल्स, इसको प्राइमरी फॉलिकल सेल्स कहते हैं। अब इसके बाद ढेर सारी सेल्स इसको और साथ ज्यादा संख्या में सेल्स घेरती हैं, ऐसे खूब सारी सेल्स घेर लेती हैं। जब इसको ढेर सारी सेल्स खेल लेती हैं तो इसकी जो आउटर लेयर होती है, इस पूरी सेल को हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स कहते हैं, ये देखिए सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स कहते हैं। इन्हीं सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स के ठीक ऊपर यहां पर एक खास तरह की लेयर पाई जाती है, इसी लेयर का नाम थीका इंटरना है। थीका माने लेयर, इंटरना माने अंदर है। ये जो थीका इंटरना लेयर है, इसी थीका इंटरना से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। ये देखिए थीका इंटरना से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, आपको ये बात सीखनी है। आगे देखें, फिर आगे डेवलपमेंट और बढ़ता है। ये प्राइमरी ओसाइट जो होती है बीच में रहती है, इसके ऊपर सेल्स की पूरी लेयर ऐसे पड़ी होती है, ऐसे इस तरह से आप कह सकते हैं खूब सारी सेल्स इसमें घिर जाती हैं, ये ऐसे, और यहाँ पर भी थीका इंटरना बनी रहती है। यहाँ पर एक खास तरह की कैविटी यहाँ पर डेवलप हो जाती है, इस कैविटी का नाम एंट्रम होता है। जब एंट्रम हो जाता है तो इस तरह की फॉलिकल्स को हम लोग टर्सरी फॉलिकल सेल्स कहते हैं, टर्सरी फॉलिकल सेल्स। मतलब आपको समझता है पहले प्राइमरी बनती है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी फॉलिकल सेल्स बनती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले से लेकर 14वें दिन तक इन्हीं फॉलिकल सेल्स का डेवलपमेंट होता है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल सेल्स का डेवलपमेंट होता है। ये कितने दिन से कितने दिन तक, यहाँ बोर्ड पर मैंने बेसिक सी बात बताई है, 14वें दिन ऐसा होता है। जब ऐसा 14वें दिन हो जाता है तब आपको एक हार्मोन तो मिल गया कि इसकी जो थीका इंटरनल लेयर है
उससे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। याद कर लेना है आपको कि फॉलिकल सेल्स के थीका इंटरनल लेयर से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा घुमा के लिखा है, लेकिन आपको ये बात आनी चाहिए। मैं यहाँ पर ले देता हूँ ताकि आपको ये पढ़ने को मौका मिले। ये एनसीईआरटी है जिसमें ये बात लिखी गई है। आगे देखें, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन आता है, मतलब ये टाइम आता है, इस दिन, ये जो 14वां दिन है, इस फेज को, 14वां दिन वाले फेज को हम लोग ओवुलेटरी फेज कहते हैं। ओवुलेटरी फेज इसलिए कहते हैं कि ये देखिए, ओवुलेटरी फेज इसे कहते हैं क्योंकि इस दिन इसका ये जो प्राइमरी ओसाइट, इसका डिवीजन हो जाता है, इससे निकल के सेकेंडरी ओसाइट सेल से बॉडी से बाहर चली जाती है। सेकेंडरी ओसाइट निकल के चली जाती है, यहाँ पर ये जो बस्ती है हम लोग पोलर बॉडीज कहते हैं, पोलर बॉडीज कहते हैं। ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, थोड़ा सा आप यहाँ पर फिगर देखेंगे, ये सेकेंडरी ओसाइट है जो निकल के फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है। बची हुई ये जो इसको फॉलिकल सेल्स घेरे रहती हैं, इन्हीं फॉलिकल सेल्स को हम लोग कार्पस लूटियम कहते हैं, कार्पस लूटियम कहते हैं। ये किस दिन बनती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये फेज है, मतलब अगर आप समझे तो 15वें दिन से लेके 28वें दिन तक ये कार्पस लूटियम बनी रहती है, इसलिए इस फेज को हम लोग लूटियल फेज कहते हैं। ये देखिए, लूटियल फेज कहते हैं। ये कार्पस लूटियम का दो फ्यूचर है। अगर ये इधर से आए और इधर से स्पर्म आए, ये देखिए स्पर्म आएगा यहाँ पर, तो दोनों मिल जाएंगे। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो पहले आप बात जानिए कि कार्पस लूटियम है क्या। कार्पस लूटियम भी एक तरह की इंडोक्राइन ग्लैंड है, टेम्प्रोरी इंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे पहली बात आप लिखिए कि ये पहली बात तो सर टेम्प्रोरी है। टेम्प्रोरी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। तीसरी बात, यह है क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये टर्शियरी फॉलिकल सेल्स है। ध्यान से देखिएगा, टर्शियरी फॉलिकल सेल्स को ही अब हम लोग कार्पस लूटियम कहते हैं। तीसरा फ्यूचर इसका क्या है? कार्पस लूटियम टेम्प्रोरी है, टर्शियरी फॉलिकल सेल्स है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ इस बात को कि टर्शियरी फॉलिकल सेल्स है। एक बात आप इसमें और लिख सकते हैं कि कार्पस लूटियम कब कहते हैं, सिंपल सी बात है, आफ्टर ओवुलेशन टर्शियरी फॉलिकल सेल्स को हम लोग कार्पस लूटियम कहते हैं। अब इस कार्पस लूटियम का दो फ्यूचर है। एक फ्यूचर है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये 9 महीने तक परमानेंट बनी रहेगी। अगर हो गया तो फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो 9 महीने तक बनी रहेगी, कहां पे? यहीं पर। और इस कार्पस लूटियम से शुरुआत में पहले जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है प्रोजेस्टेरोन, 4 महीने तक प्रोजेस्टेरोन निकलता है अर्ली शुरुआत में इसमें से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, लेकिन बाद में प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ इससे एस्ट्रोजन का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मतलब ये जो कार्पस लूटियम है इससे भी दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो 9 महीने तक बनी रहेंगी, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन अब्सेंट है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये देखिए कार्पस लूटियम डीजनरेट कर जाएगी और इसका नाम हो जाएगा कार्पस एल्विकेंस हो जाएगा। जब कार्पस एल्विकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। यहां पर लिख दीजिए, ये क्या कर जाएगी, तुरंत ही डीजनरेट कर जाएगी। अब आपको ये देखना है दोस्त, एक बार इस साइकिल को आप फिर से समझ लें। 28 दिन की साइकिल है, पहले से लेकर 14वें दिन तक ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल सेल्स बनती है। 14वें दिन ओवुलेशन होता है, जो ये ओवुलेशन होता है, ये वाली जो प्रक्रिया है, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर LH हार्मोन का लेवल हाई होता है। ये जो शुरू की यहां तक की प्रक्रियाएं हैं, इनको जो कंट्रोल करता है वो FSH कंट्रोल करता है। ये FSH और LH कहां से निकलते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी से। तो अगर आप देखें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल सेल्स को कंट्रोल करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि ये जो ओवुलेशन हो रहा है, ये जो ओवम निकल के फैलोपियन ट्यूब में जा रही है,
इस ओव्यूलेशन वाली प्रक्रिया को ये एलएच हार्मोन कंट्रोल करता है। एलएच का हायर कंसंट्रेशन इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए इस प्रक्रिया को एलएच सर्ज कहा जाता है। किस दिन एलएच लेवल हार्मोन लेवल हाई होता है एलएच का? 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ये देखिए 14वें दिन कौन सा फेज होता है? ओवुलेटरी फेज होता है, जिस दिन ओवम ओवरीज निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं ओवरी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहां कहां पे हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो ये जगह है, एक ये जगह है जहां एंडोक्राइन ग्लैंड है, और दूसरी ये जगह है एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो कॉर्पस लूटियम किसे कहते हैं? जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के बाद जो टर्सरी फॉलिकल सेल्स हैं, उन्हीं टर्सरी फॉलिकल सेल्स को हम लोग कॉर्पस लूटियम कहते हैं। फिर से बोल देता हूं, कॉर्पस लूटियम यहां लिखा हुआ है कि आफ्टर ओवुलेशन टर्सरी फॉलिकल सेल्स को हम लोग कॉर्पस लूटियम कहते हैं। इस कॉर्पस लूटियम का दो फ्यूचर है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो महीने 9 महीने तक रहेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती रहेगी। लेकिन अगर कॉर्पस लूटियम यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है शरीर से निकल के बाहर चली जाएगी, और उस समय ये कॉर्पस लूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्फिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो थीका इंटरना से निकल रहा है, जबकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कॉर्पस लूटियम से निकल रहा है। कॉर्पस लूटियम टर्सरी फॉलिकल्स को कहते हैं। कब कहते हैं? ओवुलेशन के ठीक बाद कहते हैं कॉर्पस लूटियम को। ओवुलेशन के ठीक बाद टर्सरी फॉलिकल्स को कॉर्पस लूटियम कहते हैं। आइए एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शन देखते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या क्या करता है, कहां से निकलता है, मैंने बता दिया। आइए देखा जाए, सबसे पहला आपको अगर लिखना है तो फट से लिखिए सिक्रेटेड फ्रॉम, ऐसे लिखे आप, सिक्रेटेड फ्रॉम थीका इंटरना ऑफ फॉलिकल सेल्स। जो फॉलिकल सेल्स हैं उनके ये थीका इंटरना से निकल रही है। ये देखिए पहला कमेंट आपने लिखा, अगर आपको डाउट है तो ऐसे आप बना लीजिए, ये फॉलिकल सेल्स हैं, इनमें ये फॉलिकल, ये अंदर प्राइमरी ओसाइट है, इसके ऊपर ऐसे ढेर सारी लेयर्स पड़ी हुई हैं। इन लेयर्स में ऐसे आप बना लें, दूसरे पेन से बना लें तो आपको याद हो जाएगा, एक खास तरह की लेयर पड़ी हुई है ऐसे। इस लेयर का नाम है थीका इंटरना, इस लेयर का नाम है। इसी से फॉलिकल सेल्स का, इसी से जो है फॉर्मेशन हो रहा है किसका? अगर आपने थीका इंटरना बनाया है तो इसके ऊपर आपको एक लेयर और बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इस लेयर का नाम थीका एक्सटर्ना है। एक्सटर्ना मतलब जो बाहर है, इंटरना मतलब जो सेल के अंदर है, ये मतलब हुआ इसका। इसी से थीका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। और मैं यहां लिख देता हूं कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए ये कौन सी सेल है, आपको लिख देना है सर, ये सेकेंडरी फॉलिकल सेल है। सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स के थीका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, मैंने ये बात लिख दी। दूसरी बात आप फट से लिखेंगे कि ये जो हार्मोन है ये स्ट्राइडल हार्मोन है। फंक्शन अगर हम लोग देखें कि इस हार्मोन का फंक्शन क्या क्या है, तो सबसे पहले अगर हम इस हार्मोन का फंक्शन देखें कि क्या क्या काम करता है ये हार्मोन, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर फट से लिखे आप, इन फीमेल्स, फीमेल्स में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं सबको ये डेवलप कराता है। पहला कमेंट फट से आपने लिख दिया, कब? एट द ऑनसेट ऑफ पबर्टी, ये भी लिखे, एट द ऑनसेट ऑफ पबर्टी, पबर्टी के दौरान ये हार्मोन्स का, ये मतलब जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं सब डेवलप कराता है। क्या क्या डेवलप कराता है? सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड की साइज को बढ़ा देता है। जब मेमोरी ग्लैंड की साइज को बढ़ा देता है पबर्टी आने पे, तो इस प्रक्रिया को बायो की भाषा में पवार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवार्ज। ये देखिए पवार्ज,
मेमोरी ग्लैंड की साइज को बढ़ा देता है। जैसे ही हार्मोन निकलता है फीमेल्स के ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है। मैंने बताया था कि जैसे ही उसकी ब्रेस्ट की साइज पबर्टी के बाद मेमोरी ग्लैंड ना कहकर उसे ब्रेस्ट कहते हैं। और देखिए ये फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को डेवलप करता है, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को डेवलप करता है। इसके कारण जो फीमेल्स होती हैं वो अपने अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उनमें तमाम तरह के चेंजेस आते हैं और ये शुरू हो जाती है ये प्रोग्राम। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर भी ये संभालता है ये हार्मोन। और देखिए फैट और प्रोटीन इन दोनों पे इस हार्मोन का एनाबोलिक बिहेवियर है। फैट और प्रोटीन पे इस हार्मोन का एनाबोलिक बिहेवियर है। एनाबोलिक बिहेवियर मतलब बॉडी में फैट को डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। जब बॉडी में फैट डिपॉजिट हो जाता है फीमेल्स के इस लोकेशन पे ज्यादा फैट डिपॉजिट कराते रहा है। ये जो लोकेशन है मतलब पेल्विक गर्डल है, यहाँ पर फैट ज्यादा डिपॉजिट करा देता है क्योंकि उनको बेबी को डिलीवर करना होता है। मेल में इस एरिया में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा सेक्रेशन कराता है। और देखिए डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया। ये देखिए जो एक्सटर्नल जेनिटल फीमेल जेनिटेलिया है उसको ये डेवलप करा देता है, मतलब वेजाइना के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। सिंपल भाषा में बोला जाए जबकि बात बहुत कठिन है। ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ पबिक हेयर, फीमेल्स में भी पबिक हेयर डेवलप कराता है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक्सिलरी हेयर डेवलप करा देता है। फीमेल्स में भी थोड़ा सा एक्सिलरी हेयर उनके आर्मपिट्स में पाई जाती है, उसका काम भी ये हार्मोन करता है। ये देखिए सारे काम ये एस्ट्रोजन कराता है फीमेल्स में। आप कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर सारे फीमेल्स में डेवलप करा देता है। इसके सिवा और क्या क्या करता है ये हार्मोन? इसके बाद ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन लिख सकते हैं, एस्ट्रोजन इज इन्वॉल्व्ड इन रिपेयरिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस की वाल है जिसको ये रिपेयर करने में भी मदद करता है। इंडोमेट्रियम लिख सकते हैं आप। ये सारे काम ये एस्ट्रोजन कराता है। जितना मैंने आपको फंक्शन लिखा सबके सब आपको एस्ट्रोजन में मिल जाएंगे, मतलब एस्ट्रोजन के फंक्शन है। अब आपको यहाँ लिखना है कार्पस लूटियम जो है, या दूसरा हार्मोन आप यहाँ लिख लें, दूसरा हार्मोन का भी डिस्कशन कर लें। यहाँ लिखिए सर ये अगला हार्मोन जो है हमारा उसे हम लोग प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ये देखिए प्रोजेस्टेरोन ये दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के बारे में अगर आप लिखें सिक्रेटेड फ्रॉम कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम क्या है अगर आपसे पूछो तो आप कहेंगे सर ये टर्सरी फॉलिकल सेल्स हैं जिन्हें ओवुलेशन के बाद हम लोग कार्पस लूटियम कहते हैं। इससे ही हार्मोन का सेक्रेशन होता है। कार्पस लूटियम टर्सरी फॉलिकल सेल्स हैं, मैंने बताया टेम्पोररी ग्लैंड्स हैं। इस प्रोजेस्टेरोन को हम लोग एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं, एंटी एबॉर्शन हार्मोन कहते हैं या इसी को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। मतलब फीमेल जब प्रेगनेंसी में जाती है उस समय प्रोजेस्टेरोन का लेवल 9 महीने तक हाई रहता है, क्योंकि ऐसा इसलिए कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, यहाँ मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी। शुरुआती दौर में इसे कार्पस लूटियम निकालती है लेकिन बाद में यह प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन दो जगह से है, पहले कार्पस लूटियम से इसका सिक्रीशन होता है, बाद में इससे जो है इसका सिक्रीशन जो है शुरू हो जाता है। कहां से? प्लेसेंटा से भी शुरू हो जाता है। इससे एंटी एबॉर्शन हार्मोन इसलिए कहते हैं, ये देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये यहाँ पर आपने बनाया था ओवरी, यहाँ पर आपने बनाया था ओवरी, ये इसका यूट्रस की वाल है। यूट्रस की वाल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं तो ये ब्रेक कर जाती हैं। जब यहाँ पर ये जो जायगोट है ये बन के आता है इस जगह पर इम्प्लांट होने के लिए,
तो ये जो अंदर की वाल है इस यूट्रस की, इस वाल को हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं। इस वाल को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये करता क्या है, अगर आप देखें प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, इट रिपेयर्स इंडोमेट्रियम। ये रिपेयर करता है इंडोमेट्रियम को एंड हेल्प इन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन माने क्या हुआ कि वो जो जायगोट है, वो ये जो जायगोट है बेटा, ये वाला जो जायगोट है, जो जायगोट बना, ये आके जब यहाँ पर यूट्राइन वाल से जुड़ जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे ये जायगोट है, जब ये यूट्राइन वाल से आके जुड़ जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। मेजर फंक्शन ये है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर ये प्रोजेस्टेरॉन का, ये ऐसे आप जानते रहे, प्रोजेस्टेरॉन का जो हायर कंसंट्रेशन है, अगर इसका हायर कंसंट्रेशन किसी को दे दिया जाए, ज्यादा कंसंट्रेशन किसी को दे दिया जाए, तो इंडोमेट्रियम को रप्चर भी कर देगा वो। इंडोमेट्रियम को ये बिगाड़ भी देता है, तोड़ डालता है। लेकिन ध्यान रहे, रप्चर कर देता है। जैसे एग्जांपल देखें, आपने कभी ये दवाएं अगर सुनी होंगी छोटी क्लास में, आप तो नहीं सुने होंगे, लेकिन आप जान लें, एक दवाएं हैं मालाडी और मालायन है, इनमें इस प्रोजेस्टेरॉन का हायर कंसंट्रेशन होता है। इसको खा जाने से इंडोमेट्रियम की जो वाल है वो ज्यादा तेजी से रप्चर हो जाती है। और भी दवाएं आती हैं, जैसे आपने एक दवा सुनी होगी अनवांटेड 72, ये भी दवा है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का हायर कंसंट्रेशन होता है। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, उसे 72 घंटे के अंदर इस टेबलेट को लिया जाता है तो जो प्रेगनेंसी है वो फीमेल जो होती है वो अबॉर्ट हो जाती है। अबॉर्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का हायर कंसंट्रेशन होता है।